जब कोई राजा दूसरा देश जीतता है तो उसको जीतकर उसको अपना गुलाम बनाता है, उसका उपनिवेश कहलाता है। पर राम ने लंका को जीता पर उसको उस पर राज नहीं किया। भगवान ने धर्म के लिए युद्ध किया, नहीं तो लंका पर राज करते नहीं। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदापि गरीयसे, ये भारत की संस्कृति है। राम विभीषण चलाना, रावण ने पद प्रहार करके इसको घर से बाहर निकाल दिया। विभीषण ने कहा कोई बात नहीं, मेरे भाई ने तो मुझे पद प्रहार करके निकाल दिया, पर मैं आज उनके चरणों का दर्शन करूंगा जिन चरणों की पादुकाएं भरत रही मन लाए। मैं आज उन चरणों का दर्शन करूंगा जिनकी चरण पादुकाएं उनके भाई उनका भाई हृदय में धारण करता है। और उन्होंने राम जी के साथ भरत जी को ध्यान किया। बोले भरत जी महाराज की ज्यादा विषय नहीं करना, सुंदरकांड की का गायन करना है, पर मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। सुंदरकांड का यह 42वां दोहा आप चित्र में देख लें, ये इसका भाव है। एक निवेदन, 42वें दोहे से सीखना हमने केवल क्या, द्वापर का भाई है दुर्योधन और त्रेता का भाई है भरत। द्वापर का भाई दुर्योधन कहता अपने भाई को हिस्सा नहीं दूंगा तो महाभारत हो जाती है, और त्रेता का भाई भरत कहता अपने भाई का हिस्सा नहीं मारूंगा तो रामायण बन जाती है। अब निर्णय कर लो क्या करना है, परिवार से लेकर प्रवेश तक। इसलिए हनुमान जैसे संत की शरण में आ जाएं जो स्मृति को सिखाने वाले हैं। इसलिए सब साथ मिलकर दुख भंजन हनुमान जी महाराज से विनती करें कि कृपा करहु गुरुदेव की नाई। ये आज का दिन इतने महत्वपूर्ण है, आज देव दिवाली है, आज देवों की दिवाली काशी में मनाई जा रही है। सभी घाटों पर आपने ऐसा दर्शक देखा नहीं होगा। अब चैनल के माध्यम से सरयू में दीपक लगाए गए, अब आप दृश्य देख रहे, परंतु कब से वाराणसी के अंदर देव दिवाली मनाई जाती है, चौहर दीपक की। और आज गुरु पर्व भी है, प्रकाश उत्सव मनाया जा रहा है। इसलिए आइए सुंदरकांड के सूत्रों से अपना जीवन सुंदर बनाएं, प्रकाश की ओर चलें। और साथ में मैं एक बात और कहना चाहता हूं हृदय के साथ, ये छोटी छोटी मनोकामनाओं के लिए नए नए बाबा नए नए माता आ रहे हैं, मेरा ये काम हो जाए ये काम हो जाए मत भागो भाई। बस मेरा काम हो जाए वहीं लेट जाते हैं। पर एक निवेदन करूं, ये सर है अमानत मेरे राम की, इसे दर दर झुकाया नहीं जाता। अपने सत्य सनातनम से बिलक कहीं नहीं जाओ, नए नए मंदिरों की कोई आवश्यकता नहीं, सनातन मंदिर है। जिनके गुरु हैं शुभकामनाएं, और गुरु बनाना ही पड़े तो सनातन धर्म का, और जिनके गुरु नहीं है वो हनुमान जी गुरु बना दो, 100% गारंटी है जिन्हें सफलताएं मिलेंगी। इसलिए भगवंजन हनुमंत लाल जी महाराज आपकी शरणागति, श्री बालाजी महाराज की दुख भंजन मारुति नंदन भंजन मारुति नंदन दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार सुख
प्रेम बेचारा हायो सपन सिंह नहीं पारा तुम दिव्य भीषण आवत देगा हरा कोरी को भूत सीखा आहि राति का पीस नहीं आए समाचार सब आहि सुनाए कह सुग्रीव सुनहु रघुराई आवा मिल रथ सारन भाई कह प्रभु सका बूतिये कहा कपीस सुनहु नर राहा जानी न जानी साचर माया आम रूप के कारण हमार लेन सखिया विचारीगत सुन प्रभु वचन हरस हनुमाना शरणागत वचन भगवान शरणागत कहते निज अनहित अनुमाना पावर पाप में तिन्ह बिलोकत हान पवन सुत बदला नहीं जाओ सनमत हो जीव मोहि जब ही पाप बंद कर सहज स्वभाव मूर्ति भावन का तुम्हें दुष्ट हृदय सही होई सन्मुख आप सोई केवल जन सो मोहि पावा जग मऊ सखा निशा चर जेते जो सभी दयावा सरनाए रखियो ताहि प्राण के उभे भात दयाल हूँ हस कह कृपा दिके जय कृपाल कहीं कपी चले अंगद हनु समेत सागर दही आगे गरीबानूर ते देखे दो बाबा बौरी राम छब धाम सिंह कंद आय दूर सोहा नीर पुलक यति गाता मन भन तीर कही विधवाता नाद दसानन कर में भाता चल पंच जन्म सुरता सहज पाप प्रियता बस देहा जुता उलो पे तम करने श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम सबन सुजस सुन आयो प्रभु वंदन भव भी त्राहि त्राहि आरती हरन करन सुगद रघुबीर मन सुख विनती पारम कितने लोग ऐसे हैं जो भगवान से मिलना चाहते हैं और हाथ खड़ा करके बतला दें इतना सीधा करें कि आपकी स्पाइन भी ठीक हो जाए ऊपर खींचते हुए हैं इतने लोग चाहते हैं और भगवान मिलेंगे 100% पर ना मेरे गाने से मिलेंगे और ना आपके बैठने से मिलेंगे। हजारों लोगों ने हजारों संतों ने अपने अपने मतानुसार भगवान तक पहुंचने का रास्ता बतलाया और सारे ठीक हैं। रोहिणी आना है तो बाईपास से अलग रास्ता है, आईएसबीटी से अलग रास्ता है, पश्चिम यार से अलग रास्ता, पर सारे आ रहे हैं। पर अगर आपको आना हो तो सबसे सही रास्ता कौन बताएंगे? ये सिंगल परिवार जिसका घर यहां पर है, तो बेशक कीर्तन करने वाले, सत्संग करने वाले, साधु संत सब लोग भगवान को बता रहे हैं कैसे मिलेंगे भगवान, पर सबसे अच्छा रास्ता भगवान खुद बताएंगे। मिलना है तो किसी वीआईपी से मिलना हो और डायरेक्ट फोन हो तो मिल जाओगे, वरना अपॉइंटमेंट लगी रहेंगी। और आपको भगवान का डायरेक्ट नंबर दे रहा हूं जो भगवान ने खुद सुंदरकांड में दिया है सबको। भगवान से मिलने का अगर एक रास्ता है तो केवल क्या है, मैंने नहीं कुछ कहा भैया, भगवान कह रहे हैं क्या, निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहे कपट छल छिद्र। अगर भगवान को पाना है तो सरल हो जाओ। जो व्यक्ति जितना सरल होगा तो भगवान के उतना नजदीक होगा, जो व्यक्ति जितना क्रिटिकल होगा, तेज चलाक होगा, भगवान से तो बहुत दूर। इसे निर्मल मन, इसको ही मेहनत करनी है। और यही सत्संग इसलिए है, इसलिए हनुमान जी महाराज
जैसे विभीषण का मन निर्मल कर दिया, हमारे भी कर देना। ये भजन की पंक्ति आप सबने गाने, क्योंकि आपकी पंक्ति अपनी अर्जी खुद लगानी है। बजरंगी हमारी सुध लेना, बजरंगी हमारी सुध लेना, बुलाए नहीं देना, विनय तो है बार बार है। बजरंगी हमारी सुध लेना, बुलाए नहीं देना, विनय तो है बार बार है। बजरंगी हमारी सुध लेना। आप नहीं भी गाएंगे तो मुझे पता आप गा रहे हैं साइलेंट मोड में। हम गाएंगे आपकी तरफ से हैं, पर भावना आप सबकी, हम सबकी है क्या? बजरंगी हमारी सुध लेना, बजरंगी जब राघव निकट तुम जाना, जब वह मेरी भी चर्चा चलाना, वह मेरी भी चर्चा चलाना, मेरे दुखड़े प्रभु को सुनाना, विनय तुहे बार बार है। मेरे दुखड़े प्रभु को सुनाना, विनय तुहे बार बार है। मेरे बाबा तेरी हो रही जय जय कार, जगत में सन्ना बाज रहा। मेरे बाबा तेरी हो रही जय जय कार, जगत में सन्ना बाज रहा, जगत में सन्ना बाज रहा, जगत में सन्ना बाज रहा, जगत में तेरी हो रही जय जय कार, जगत में सन्ना बाज रहा। बाबा तेरी हो रही जय जय, जगत में सन्ना बाज रहा। कहीं गलत दंडवत देखा, उलट उठे प्रभु हर्ष विशेखा, अंगीन वचन सुन प्रभु मन भावा, मुझे विशाल गई हृदय लगा। अनुज सहित मिले ठीक बैठारी, खुले वचन भगत बैठारी, कहूँ लंकेश सहित परिवार, का हर भास तुम्हारा, फल मंडली बस हो दिन राती, सदा धर्म निभाए के भाती, मैं जानो तुम्हारी सब रीति, अपने मन भाव अनीति, दुर्बल वास नरक करता था, उच्च संग जय दे विधाता, अब पद दे की कुशल रघुराया, जो तुम कीन जात जन जाया, जब लगे कुशल न जीव कहो, सपने मन बिसरा, जब लगे बस दिन जीव को, तो कहो लगे गुजर न जीव कहो, सपने मन बिसरा, जब लगे बस दिन राम कहो, शोक काम तय कहो। मेरे बाबा तेरी हो रही जय जयकार, जगत में बाज रहा। मेरे बाबा तेरी हो रही जय जयकार, जगत में बाज रहा। लगी हृदय पसंद फल डाला, मोहम्मद बाना, जब लगी उर्ण पसंद रघुनाथा, क्या प्रसाद करे
ममता करुण कमी अंधियारी राम कृपा सुख तेरी हो रही जय जय जगत में सुनहु सखान जे जनउ सुभाओ कान भूषण दे सब मिलि हो तो नर होइ चरा चर दोही आवे सब सब जीवन मोह कपट छन नाना सत्य ते साधु सहारा जन जगत बंधु सुख दारा धन भवन सुन परिवार सबके ममता ताज बटोरी समदर से इच्छा कठुनाही बस सज्जन मन और बस कैसे तुम साध के संत प्रिय मोरे जिन उपासक पर हित नींद गुड़ने ते नर पान समारम जिनके तुझ पद प्रेम सुन लंगे सचल गुण तोरे राम वचन सुनि बानर झूठा सकल कहि जय पापनो सुन देव भीषण प्रभु के बानी नहीं आघात सब नाथ कही बार ही बारा सुनहु देव से जगा कर स्वामी रुक चुप्रत में बास ना रही अब कृपाल नीड भगत पावनी देव सनासी मन भावनी देव बस्तु कही प्रवर अन धीरा भागा तुरत सिंधु कर नीरा जद भी सका तब इच्छा नाही अस कही राम तिलक कही सारा सुमन हृष्ट नभदी रावण क्रोध अनदर तुझ सास समीर प्रचल शरत विभीषण नारायण दीन हो राज अकाल तू संपत्ति शिव रावण ही दीन किए दस बार सोई संपदा विभीषण ही सतुज दीन रघुनाथ जो संपदा रावण को दशशीष देने के बाद मिली थी वो विभीषण को राम की शरण आने पर मिल गई। देखो भाई मंत्र बड़ा काम होता है। मंत्र जो आज का हम यंत्र करते हैं वो सारे काम मंत्र करते हैं। अगर मंत्र की शक्ति को समझना है तो ये समझ लो कि आपका एक मोबाइल है एक मेरा मोबाइल नंबर है। जो आपका मोबाइल नंबर है वो आपका मंत्र है। अगर किसी व्यक्ति को आपके मंत्र का पता होगा तो आपको कनेक्ट कर लेगा। अक्षर ब्रह्म है अक्षर जिनका क्षय नहीं होता। शब्द नाद है शब्द। सनातन संस्कृति में जो अध्यात्म में आ गया तो उसके अंदर से आवाज आती है को हम। पर जब संत की कृपा होती है विभीषण रावण का भाई है आज तक रावण को नहीं रोका पर संत हनुमान जी महाराज ने जब दे दिया मंत्र तो उसके बाद आज अंदर से को हम। और जिस दिन से उसके अध्यात्म की यात्रा पूरी हुई आवाज आई सो हम। यात्रा कहां से प्रारंभ को हम पूर्णता का सो हम। को हम मैं कौन हूं सो हम मैं वही हूं। उस दिन भीषण राम की शरण में आ गया पर वो मंत्र कौन सा था। ये वो मंत्र है जो हनुमान जी महाराज ने विभीषण को भी दिया और ये मंत्र समर्थ गुरु रामदास को दिया। अभी इस विषय में लंबा नहीं जाना वो राष्ट्र कथा करते हैं उसका बड़ा विषय है। हनुमान जी महाराज ने
विभीषण को मंत्र दिया, समर्थ गुरु रामदास को दिया, समर्थ गुरु रामदास ने अपने शिष्य को दिया और उनके शिष्य बने छत्रपति शिवाजी। बोली भारत माता की। और जानते हैं वो मंत्र क्या है? तुमरो मंत्र और लंकेश्वर भाई बेड़ा पार होगा पर विश्वास होना चाहिए। और जो हनुमान जी महाराज ने विभीषण को मंत्र दिया वो मंत्र था श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। यही वो विजय मंत्र है जिसको रटकर आज हम यहां पहुंचे। बस जैसे अपने रुपए पे विश्वास होता है उससे 100 गुना भगवान के नाम पर विश्वास होना चाहिए। राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे, काहे को करे, उदासी मन कहे को करे। राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन कहे को करे। सहज किनारा मिल जाएगा, परम सहारा मिल जाएगा, सहज किनारा मिल जाएगा, परम सहारा मिल जाएगा। गोरी सौंप के तो देख देख बार, उदासी मन कहे को करे। सौंप के तो देख एक बार, उदासी मन कहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन कहे को करे। राम जी करेंगे बेड़ा पार, अस प्रभु छाड़ भजे जे आना थे दर पशु बिन पूछ बिसारा। जय जान भाई अपना प्रभु स्वभाव निर्गुण मन भावा, उन सर्वज्ञ सर्व गुर वासी, सर्व रूप सब रहित उदासी। नहीं भजन नीत पति बाल के कारण मर जन दुर कुल भार, सुन कपीस लंका पति वीरा, संकुल मगर उड़ग जस जाति, अभियकार दुस्तर सब हाथी। लंकेश सनहु रघुनायक, छोट सिंह सो सकत सहायक, जपि जपि नीति असगाई, विनय करि सागर सन जाई। तुम्हार कुल गुर जल धी, कहे उपाय विचार, बिन प्रयास सागर तरही, सकल भूमि कबिदार। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। सफा कही तुम नीत उपाय, करिय देव जो हो सहाय। नाथ देव कर कवन भरोसा, सोच सिंधु करिय मन भरोसा। मन भाव एक धारा, दैव दैव आवे
सुनत भी हंस बोले रघुवीरा जैसे कर बदन मन धीरा प्रथम प्रणाम दीन सिर नाई बैठे पुनि नव गर्व डसाई चरित दिन देखे प्रभु को नहीं जैसा राही पर नागत पर दे तेरा राम जी करेंगे तेरा पार ऐसी मन काले को करे तेरा राम जी करेंगे तेरा पार राम स्वभाव इस प्रेम का विसर दुराओ बजानी सुखदेव सुनो सब बानर अंग भंग कर प्रकार मारन कपिला जो हमारे हर नासा काना तेही कौशला दीस कयाना सुनि लक्ष्मण सब निकट बुलाए दया लागे तुरंत छुड़ाए रावण कर दी जो यह पाती लक्ष्मण मन पाच भूल गाती कहे मुखा कर भोग सन मम संदेश उदार सीता दे तिलह दे आवा काल तुमा सियापति राम जय जय राम लक्ष्मण बद पाथा कहते राम जस लंका आए रावण चरण शीश तिलकाए बिह सीता सानन पूछी वादा भीषण सुभया पुनि कुशला पुनि कौ कवन भीषण केरी भरत राज लंका सत त्यागी हुए जब कर कीते भागी पुनि कौ भालु केस घटकाई काल प्रेरित चली आई इनके जीवन कर रखवारा सिंध विचारा कहो तप सिनके बात बहोरी जिनके हृदय दास अति मोरी नाथ कृपा कर पूछो कैसे क्रोध पति कैसे मिला जाए जब अनुज तुम्हारा राम तिलक दे रावण दूत हमें सुनिकाना भजन बाद दीने दुख नाना सवन नागे राम शपत दीने हम जागे पूछ नाथ राम दत्त गाई भजन पावत सत पर न जाई नाम बन कटिन कराला अमित नाग बल विपुल विशाला अंदर गति बिकटासी तदि मग के हर सुट सक राम वंत बल दास सिया राम जय जय राम जय जय राम एक सब सुग्रीव समाना इन सब कोटि नगरी को नाना राम कृपा तुलित बल दिनहि इन समान ते लोक ही गनहि अस में सुना सवन दस कंदर पदुम अठारह दूत भुवनंदन नाथ कटक मह शोक पिनाहि जोन तुमहि जीते तन माहि परम क्रोध में दही सब हाथा सुपेल नहीं गुनाथा सो सही साधु सहित जस प्याला रहिन ते परी कुधर विशाला रूप गोद मिल रही जस सीता ऐसे वचन कहे सब कीसा जहि तो जहि सहज असंग का मानहु ग्रसन चहत है सहज सूर के भालु सब उन सिर पर पगुरा रावण काल कोट करो जीत सहि सचरा। अगर राम आपके साथ हैं तो जीत आपकी होगी, पर यह बात भी कि आप भी सत्य के साथ होने चाहिए। हनुमंत लाल जी महाराज सारा रामादल जो लंका की तरफ बढ़ रहा है उधर सुंदरकांड विश्राम की ओर चल रहा है, इसलिए हम सब मिलकर हनुमान जी महाराज की शरणागति करें। और आज गुरु पर्व भी है, अपने जीवन को पतंग बना दें और डोरी
शुभ दिन हनुमान जी के हाथ में, इसलिए सब मिलकर गुरु परंपरा को प्रणाम करते हुए हृदय के साथ निर्मल मन के साथ अपना जीवन परमात्मा को समर्पित करें, कर्म करें 100% 100%, और करने के बाद भगवान पर छोड़ दें। यही सुंदरकांड जी का हनुमान जी सब करते हैं। गुरु कहते हैं कोई कि कौन कर रहा है, तो हनुमान जी कहते हैं राम कर रहे हैं, इसलिए हृदय के साथ। सतगुरु मैं तेरी पतंग, सतगुरु मैं तेरी पतंग, सतगुरु मैं तेरी पतंग, सतगुरु मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी, सतगुरु डोर हथ छट्टी ना मैं पट्टी जावांगी, सतगुरु डोर हथ छट्टी ना मैं पट्टी जावांगी, सतगुरु मैं तेरी पतंग, सतगुरु मैं तेरी पतंग, राम तेज बल बुद्ध विपुलाए, शीश सहत सत सकहि लगाए, सत सर एक सौ से सत सागर, तब भ्रातहि पूछे मैं नागर, आसु वचन सुन सागर पाहे, भागत पंक्ति पावन आहे, सुन प्रवचन बिह सागस सीसा, जो समत सहाय तुत केसा, सहज वीर पर वचन गड़ाए, सागर सर ठानी मचलाए, मूढ़ मृषा का करस बढ़ाए, सचिव सभी तीवी सज जाते, ज्ञान भूत कहा जगता के, सुन खल वचन को तिरस वाली, समय विचार पत्रिका का बादुज की नहीं यह पाती, नाथ बचाए चुला महु छाती, तिर से वाम कर ली नीरा, सचिव भूल सकला के बचाओ, तन मन हिर जाई सक, जन गावे कुल की, राम विरोधन उबरसी, सरल कृष्ण अज की तजमान अनुज इव, तद पद पंकज भंग, होए एक राम सरानल, मल कुल सहित पतंग, सतगुरु मैं तेरी पतंग, सतगुरु मैं तेरी पतंग, इन चरणा कमला नालो मैं दूर हटा बिना, मैं दूर हटा बिना, इन चरणा कमला नालो मैं दूर हटा बिना, मैं दूर हटा बिना, इस झूठे जग के अंदर मेरा पेचा लावीना, मेरा पेचा लावीना, इस झूठे जग के अंदर मेरा पेचा लावीना, मेरा पेचा लावीना, देखते गए ता सतगुरु, देखते गए ता सतगुरु, फिर मैं लुटनी जावांगी, फिर मैं लुटनी जावांगी, सतगुरु डोर हटो सतगुरु में तेरी पतंग, सतगुरु में तेरी पतंग, सुनत सब मन मुख मुस्काई, कहत रसान सब ही सुनाई, धूम करा कर कहने अकासा, लग वापस कर भाग बिलासा, कह सुनत सत भगवानी, समझो चार प्रकट अभिमानी, सुनो वचन मम परिहर मोरा, राम संत जो बिनोदा, अति कोमल रघुवीर स्वभाव, यद्यपि अखिल लोक कर राहु, मिलत कृपा तुम पर प्रभु करही, मोरे अपराध नहीं कब करही, जनक सुता रघुनाथ हे दीने, इतना कहा मोर प्रभु की, तब दे कहा दैन वै दे, चरण प्रहार कीन सब दे, नाही चरण सिर चला सका, कृपा सिंधु रघुनायक चाहा, हरि प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा आपन जग पाई, साप भवानी, राक्षस भयो रहा मुनि ज्ञानी, वंदे राम पद पार ही बारा, विजय आसन गौतम धारा, विजय नवानंद जल धीरण, तुम्हें दीन दिन भी, बोले राम सको बड़ा, मैं भी न हो न प्रिय। ये भी हमने कुछ पंजाब में अगर सुंदरकांड पाठ करने जाए तो इस ऐसे लय में लगाते हैं।
अब भारत में अलग अलग जगह में कैसी कैसे लय लगाते हैं सुंदरकांड जी के पाठ करते हुए, तो ये लगभग पंजाब क्षेत्र की। अब चलते हैं मध्य प्रदेश, आहला लय क्या होती है पांडवानी शैली में। आजकल तो बच्चों के नए नए कैरेक्टर वो कहते सुपरमैन हीमैन, पर हमारे देश के जो सुपरमैन हीमैन है वो थे आला उदल। कहते हैं मैयर माता का मंदिर रात को जब दरवाजे पट बंद हो जाते हैं तो सुबह एक ताजा फूल मैयर माता के सामने चढ़े होते हैं फूल। कहते हैं आला आज भी आकर मैयर माता पे पुष्प चढ़ाते हैं। बोल मैयर वाली की जयकारा, विंध्यवासिनी का बोल सांचे दरबार की जय, अन्नपूर्णा माता की जय। तब चलते पहले मध्य प्रदेश, उसके बाद राजस्थान, फिर जहां पर सबसे प्राचीन रामलीला प्रारंभ हुई रामनगर, रामनगर वाराणसी के पास, वहां चलेंगे अलग अलग शैलियों में। मतलब मध्य प्रदेश पांडवानी शैली में आला शैली के अंदर सुंदरकांड जी का पाठ। बोली बालाजी सरकार की, अजर बिहारी दीन दयाल वीरत सम भारी, अनुनाद मम संकट भारी, लक्ष्मण पाद सरासर आनो सो सो वार दिवस के प्रसादो, सक संग मिलय मिल संग प्रीति आज कृपा संग सुंदर नीति, ममता रत सन काग कहानी अति लोभी सत बिरति बखानी, रोजे संगाली हरि करती चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा, मकर जंतु जल निधि जब जाने, दिव्य रूप और अब राजस्थान और हरियाणा वाले क्या कहते हैं सुंदरकांड पाठ विश्राम के बजाय डटे रहो आसन पे। राजस्थान में हरियाणा में जाएं तो क्या हनुमान जी बस थोड़ी देर डटे रहो। रे हनुमान आसन पे कब तक कथा राम की हो, हनुमत बैठे हो आसन पे कब तक कथा राम की हो। देखो भाई कहां का दर्शन कर रहे हो, श्री धाम अयोध्या जी में। बोले कनक बिहारी भगवान की, जो लोग अभी तक अयोध्या नहीं गए वो दर्शन करें कनक बिहारी भगवान। और मैं एक निवेदन करना चाहता हूं अपने भाई बहनों से, कहां जा रहे हो, वृंदावन जा रहे हैं, कहां जा रहे हो, हरिद्वार जा रहे हैं। अगर वृंदावन को भी हरिद्वार को ऐसे कहोगे तो कानपुर जाने में लखनऊ जाने में कोई अंतर नहीं है। जब अपने तीर्थों की ओर जाएं तो कहां जा रहे हैं, श्री धाम वृंदावन जा रहे हैं। अपने तीर्थों से आगे श्री धाम जी कुछ लोग आओ तो आने वाली संतति को पता लगे कि नहीं हमारा एक तीर्थ है। कहां जा रहे हो, श्री धाम अयोध्या जी में। अच्छा जी कहां जा, हरिद्वार जी जा रहे हैं। तो समन्वय शब्दों का, पर कहीं धाम श्री कहीं जी, तो पता लगे कि हम तीर्थ हैं और बाकी नगर अलग हैं, कोई
डेफिनेशन होने चाहिए, और हम करेंगे तभी तो आने वाली संतति करेगी, ठीक है ना। तो हनुमान जी महाराज हम सुन रहे हैं पर आप बैठे रहोगे तो समझ भी जाएंगे। आप देख रहे हैं राम सेतु। आज भी भारत में धनुषकोटि की तरफ से और उधर जाफना की क्षेत्र की ओर से जहां जल सबसे उथला है, जो आज हम कहते हैं ना टेक्नोलॉजी टेक्निक, आज तो सब रिसर्च है, उस समय सब सर्च था, रिसर्च खोज रहे हैं। मेरे भाई बहन, एक है विज्ञान और एक है ज्ञान। विज्ञान है खोजना और ज्ञान है खो जाना। जीवन में भाव चाहिए, आस्था चाहिए, समर्पण चाहिए, प्रेम चाहिए, सहिष्णुता चाहिए, ये खोजने से नहीं मिलेंगे, ये खो जाने से मिलती है। हमको नासा के स्टंप की आवश्यकता नहीं है कि वो कहेगा तो हम कहेंगे दिस इज एडम ब्रिज। नासा ने किसको एडम ब्रिज का तो हम बड़े ऑथेंटिक समझे, अरे वाह बिल्कुल बात पक्की है। पर हम संतों के बलिदानों को समझ नहीं पाए, हम वीर हकीकत राय को नहीं समझ पाए जिसने 9 साल की उम्र में कह दिया गर्दन उतर जाएगी जिन्हें उन्हें उतरेगा। हम उसकी ऑथेंटिसिटी को नहीं मान पाए जिन्हें धर्म के लिए प्राण दिए। इसलिए भाई बहन ये प्रमाण है, आज हम 2007 से लगभग श्रीलंका में जाकर रामायण कालीन ऐतिहासिक स्थानों के लिए कार्य कर रहे हैं। एक तरफ श्रीलंका, एक तरफ भारत, उसमें टेक्नोलॉजी जहां सबसे ज्यादा उथला जल था वहीं सेतु बनाया गया था। और आपको जानकर प्रसन्नता होगी,
कि पिछले ही साल जब हम लोग श्रीलंका से वापिस आए तो मॉर्निंग फ्लाइट थी, पायलट ने कहा आप नीचे की ओर देख सकते हैं राम सेतु, क्योंकि निगम्बो एयरपोर्ट है, तो जैसी फ्लाइट उड़ती है तो हल्के नीचे ही होती है, लो टाइड हो, वेदर क्लियर हो तो गहरी रेखा दिखती है, पर वो रेखा बनाई थी नलनील ने, वो सेतु बनाया था नलनील ने। पटियाला की एक लाइब्रेरी में पुस्तक है जिथे बाबा पैर तरे, बाबा नानक अपनी 84 उदासियों में श्रीलंका भी गए थे। बाला मर्दाना ने कहा कैसे जाएंगे, बाबा नानक ने कहा उस समय राम सेतु था पर हम अपनी नेक कमाई से भक्ति से उस सेतु को पार करेंगे। तो भारत के तरह धनुषकोटि रामेश्वरम और उधर जाफना का क्षेत्र पहले प्रतिबंधित था, श्रीलंका की तरफ से लगभग 5-6 किलोमीटर तक गाड़ी भी चली जाती है, काफी इंटीरियर है, पर वास्तव में आज सिंघल परिवार ने भी माता ज्ञाते गीता देवी जी, प्रदीप कुमार, दिलीप, मनोज, संतोष, राजेश, इस सिंघल परिवार ने भी हम सब लोगों के लिए सेतु का काम किया है, क्योंकि वो सेतु बनाया था नलनील ने, पर ये सत्संग का सेतु है, ये सत्संग का सेतु है। गुरुवाणी में क्या लिखा, नानक नाम जहाज है चढ़े से उतरे पार, नानक नाम जहाज है चढ़े से उतरे पार, और हम विश्राम करने जा रहे हैं सुंदरकांड जी का, उसका आगे का उत्तर देता है सुंदरकांड जी का 60वां अध्याय, क्या सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, और सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जलदा। आइए हृदय के साथ उस राम रूपी नाम रूपी जहाज में बैठे सुंदर कांड जी को विश्राम क्यों लेके चले, बड़े भाव के साथ रघुपति राघव और परंपरागत शैली में। पयो निधि
कल चरित कहि प्रभु ही सुनावा चरण बंदी पाकु होई सिधावा राम सिया राम सिया राम जय जय राम सब बोले राम सिया राम जय जय राम। इधर आधी आबादी बैठी है, आधी आबादी इधर, आधी स्त्री पुरुष, आधी आबादी भाई। और धर्मपत्नी वो होती है जो अपने श्रीमान को धर्म की ओर प्रेरित करे। और एक निवेदन, ये रामचरित धर्म को सिखलाती है भाई बहन। धर्म की सबकी अपनी अपनी व्याख्या है, पर एक भगवान के दास की तरह, भाई की तरह मैं भी सोचता हूं। रामचरित मानस हमको सिखलाती है, धर्म का अर्थ है प्रेम पूर्वक ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना, प्रेम पूर्वक ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना। आप जहां पर भी हैं, जो भी हैं, बस प्रेम और ईमानदारी होगी, राष्ट्र राम सब कुछ पा जाएंगे। चलें विश्राम की ओर। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।